तो अच्छी जहाँ तक हो सके हिंदी में बोलने के लिए, तो मैं कोशिश करके हिंदी में बोलता हूँ। और इसमें एक बहुत जरूरी चीज़ है, पतंजलि योग सूत्र जो है वो एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, और इस पे जितना स्लोली हम चल पाएंगे उतना अच्छा होगा। तो मैं आज अभी तक जितना हम कवर किए हैं उसका स्टार्टिंग का करीबन 5-10 मिनट लेके एक शॉर्टली उसको रिकैपिटुलेट कर लेता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि योग जो है वो बेसिकली इस फिलॉसफी पे बिलोंग करता है कि दो चीज़ें हैं, एक कॉन्शियसनेस चेतना और एक प्रकृति। प्रकृति मतलब आपका जो नेचर है बाहर, जो मटेरियल वर्ल्ड है, पूरा का यूनिवर्स है बाहर, ब्रह्मांड है बाहर, वो इन दो के कॉम्बिनेशन में ये जगत है, ये दुनिया है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। तो एक है चेतना और एक है अचेतन, जिसको कि जड़ भी बोला जाता है। इन दो के कॉम्बिनेशन में ही योग फिलॉसफी बिलीव करती है, और योग ये मानती है कि चेतन जो है वो जड़ में मिल गया है, और जब वो चेतन जड़ से निकल के आता है तब उसकी मुक्ति होती है, और तब उसका प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल आ जाता है। तब प्रकृति से वो जो चाहे वो करवा सकता है, और प्रकृति जो है उसका जो मकसद है, प्रकृति क्यों है, प्रकृति सिर्फ इसलिए है कि ये जो चेतन तत्व है जिसको पुरुष बोलते हैं, या तो वो एंजॉय करे, या तो उसको एनलाइटनमेंट मिले, वो अपनी असली ताकत को, अपने अनंत को पहचान सके। तो प्रकृति का यही दो फंक्शन है। पहला फंक्शन कि जो उसमें पुरुष, जो उसमें कॉन्शियसनेस, जो उसमें चेतन तत्व है, या तो वो एंजॉय करे, या तो वो अपने आप को एनलाइटन करे, इसमें से निकले बाहर और अपने असली ताकत को, अपनी अनंतता को, अपने इनफाइनाइटनेस को पहचाने, अपने इटर्नलनेस को पहचाने। अब पतंजलि ने स्टार्टिंग में ये कहा था, जो हमने पिछले 2-3 बार देखा है, कि योग चित वृत्ति निरोध, उन्होंने डिफाइन किया कि योग क्या है। तो योग चित वृत्ति निरोध, इसमें 4 शब्द हैं। वो कह रहे हैं कि योग को अगर आपको समझना है तो चित्ती की वृत्तियां जो है उसको निरोध करना होगा। चित क्या है? चित 3 चीजों से बना हुआ है, एक बुद्धि, योगिक फिलोसॉफी के हिसाब से एक बुद्धि, एक अहंकार और एक मन, जिसके लिए उन्होंने शब्द यूज किया है मानस। बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारा इंटेलिजेंट डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है। आप सब समझते हैं बुद्धि क्या है, हम हर इंसान में बुद्धि है। दूसरा हमारे अंदर में अहंकार है। अहंकार क्या है? अहंकार मतलब अहंकार, मैं कर सकता हूं, मैं करने वाला हूं, आई एम द डूअर, ईगो पार्ट, ये अहंकार है। और तीसरा है मन, माइंड, जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं। ये 3 है। इन 3 को कॉम्बिनेशन में, आपस में, तीनों को टोटैलिटी में चित बोला जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं चित के वृत्तियों की, तब हम बात कर रहे हैं बुद्धि के, अहंकार के और मन के वृत्तियों की। हमको इन तीनों में वृत्तियों को हटाना है। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये वृत्तियां क्या है? तो वृत्ति का बहुत सिंपल मीनिंग है मॉडिफिकेशन, चेंज, फ्लक्चुएशन। हमारी बुद्धि एक 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 स्टेट में है, और जब भी उस स्टेट में कोई मॉडिफिकेशन होता है तो हम बोलते हैं वृत्ति पैदा हुई। हमारा अहंकार एक स्टेट ऑफ माइंड में है, जब भी उसमें कोई वेरिएशन, कोई फ्लक्चुएशन, कोई मॉडिफिकेशन पैदा होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वृत्ति आई, मॉडिफाई हुआ कुछ। और सिमिलरली मन में भी, जब भी उसमें कोई मॉडिफिकेशन होता है, कोई फ्लक्चुएशन होता है, कोई चेंज होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वृत्ति आई। तो योग क्या है? योग में हमको इन वृत्तियों को रोकना है, और निरोध मतलब
एक एक मतलब है कंट्रोल, एक मतलब है सबड्यू करना, एक मतलब है सुला देना। तो जब हम अपने मन को, बुद्धि को, अहंकार को स्थिर कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, शांत कर देते हैं, तब उसमें वृत्तियां नहीं उठती हैं। और जब उसमें वृत्तियां उठना बंद हो जाती हैं, इसका मतलब हम योग की स्थिति में आ गए, हम योगी हो गए। और जब हम उस योग की स्थिति में आ जाते हैं जहां पे ये मॉडिफिकेशन वृत्तियां बंद हो जाती हैं, वहां उस स्टेट में हमारी पावर्स बहुत बढ़ जाती हैं। हम अपने अंदर के अनंत के पावर को रियलाइज करते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम जो हैं, हम में एक पुरुष है, हम में एक बुद्धि है, हम में अहंकार है, हम में मन है, और साथ में क्या है, इंद्रियां हैं। इंद्रियां हैं, एक देखने की इंद्रियां हैं, ज्ञान लेने की इंद्रियां हैं पांच, और पांच कर्म इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम बाहर काम करते हैं। तो यही हम हैं। और जब हम अपने मन में, बुद्धि में, अहंकार में, मतलब अपने चित्त में वृत्तियों को, फ्लक्चुएशंस को शांत कर देते हैं, मन में उथल पुथल को रोक लेते हैं, मन को स्टेबल कर लेते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारी पावर बढ़ जाती है। हम इंडिपेंडेंट होने लगते हैं प्रकृति के, हम अपने इंद्रियों से मुक्त होने लगते हैं। और जैसे जैसे हम अपने इंद्रियों से मुक्त होने लगते हैं, हमें योगिक शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, और हम फिर प्रकृति को अपने बस में कर लेते हैं, प्रकृति हमारे काबू में आ जाती है। तो ये जो शक्तियां हैं जिसमें प्रकृति हमारे काबू में आती है, ये सिद्धियां पैदा हो जाती हैं। और उसके बाद के स्टेट में क्या होता है कि आप सिद्धियों से भी निकल के बाहर आते हैं, और प्रकृति फिर अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि प्रकृति ने अब आपको एनलाइटनमेंट के स्टेट में पहुंचा दिया, बुद्धत्व के स्टेट में पहुंचा दिया, जो आपका पर्पस है धरती पे या इस सृष्टि में। तो कॉन्शियसनेस और प्रकृति आपस में ये गेम खेलती हैं, ये खेल खेलती है, जिसमें कि कॉन्शियसनेस हाईएस्ट स्टेट में चली जाती है प्रकृति के थ्रू। और जब प्रकृति के थ्रू ये काम हो जाता है, तब प्रकृति अपने आप को विलीन कर देती है, गायब कर देती है। ये बहुत ही ब्रॉडली, बहुत ही शॉर्ट में पूरा योगिक प्रोसेस है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वृत्तियां क्या है, मॉडिफिकेशन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि मॉडिफिकेशन जो होता है वो नॉलेज से होता है। जब भी हम कोई नॉलेज लेते हैं, हमारा माइंड, हमारा बुद्धि, हमारा अहंकार, इन तीनों में एक मॉडिफिकेशन हो जाता है। हम जब भी गलत नॉलेज ले लेते हैं, कोई भी चीज को हम गलत समझ लेते हैं, तब भी हमारे अंदर एक फ्लक्चुएशन, एक वेरिएशन आ जाता है, एक वृत्ति आ जाती है। तीसरी वृत्ति जो कही गई है वो है इमेजिनेशन की। जब हम बैठ के कोई चीज इमेजिन करते हैं, वो रियल नहीं है, वो अभी तक वास्तविक नहीं है, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, लेकिन हम काल्पनिक तौर पे फैंसीफुली उसको इमेजिन कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे इन तीन चित्त के पोर्शंस में डिफरेंसेस आते हैं, मॉडिफिकेशन आते हैं, वृत्तियां पैदा हो जाती हैं। और चौथा जो वृत्ति पैदा करता है वो है नींद। हम जब जागते हैं और जब सोते हैं, तो दोनों स्टेट में हमारा मेंटल स्टेट चेंज हो जाता है, हमारे चित्त में एक परिवर्तन आ जाता है, मॉडिफिकेशन आ जाता है। इससे जब हम नींद से उठते हैं, हमको अलग फील होता है। नींद में सोते वक्त हमको अलग एक एक रियलाइजेशन होती है कि हम नींद में ऐसे थे, तो एक कुछ ना कुछ मॉडिफाई हुआ, तो वो भी वृत्ति है। और पांचवी वृत्ति, पांच तरह की वृत्तियां हैं। पांचवी वृत्ति जो है वो है आपका मेमोरी, क्योंकि हमारी मेमोरी हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली चेंज लेके आती है। हमको कुछ याद आता है और हमारे अंदर चेंज होता है, हमारा चित्त में परिवर्तन होता है। तो योग के शास्त्र के हिसाब से वृत्ति के पांच ही कारण हैं, पांच ही तरह की वृत्तियां हैं जो कि आती हैं। एक नॉलेज, नॉलेज दो प्रकार का है, एक राइट एक रॉन्ग। सेकंड इमेजिनेशन, जो भी हम कल्पना करते हैं। तीसरा मेमोरी या स्मृति, जो भी हमको याद है
उस कारण से अंदर फ्लक्चुएशन आता है। और पांचवा नींद, हम जब सोते हैं तब हमारी मानसिक स्थिति में परिवर्तन आता है, हमारे चित्त के स्टेट में परिवर्तन आता है। तो ये पांच वृत्तियां हैं। अब ये कहते हैं कि इन वृत्तियों को कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने का तरीका क्या है? तो पहले चैप्टर में ये बोलते हैं कि कंट्रोल करने का दो तरीका है जो कि आपको यूज करना है। आगे ये और तरीके बोलेंगे, बहुत सारे तरीके बोलेंगे, लेकिन प्रथम चैप्टर में, समाधि वाले चैप्टर में, समाधि पद में जहां ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंसेप्ट को, वहां पतंजलि जी ये बोलते हैं कि दो तरीके आप यूज करिए। पहला तरीका कॉन्सेंट्रेशन। जब आप कॉन्सेंट्रेशन करना चालू करती हैं किसी भी वस्तु पे, तो हमारे अंदर की वृत्तियां जो है वो घटने लगती हैं, हमारे अंदर की मॉडिफिकेशंस जो है वो घटने लगती हैं, हमारा माइंड जो है वो स्टेबल होने लगता है। तो हमारा माइंड जब स्टेबल होने लगता है तो हमको बाहर का इम्पैक्ट नहीं होता है, बाहर के इम्पैक्ट से हम बचने लगते हैं, हम सेफ रहते हैं, हम पीस में रहते हैं, हमारे अंदर कोई इमोशनल मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है। तो फर्स्ट उन्होंने तरीका जो सजेस्ट किया है वो है कॉन्सेंट्रेशन का, कि आप कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिस करिए। अब दूसरा वो बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन भी प्रैक्टिस करें, तो कैसे प्रैक्टिस करें? तो कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्रैक्टिस आपको अनइंटरप्शन से करना है, विदाउट इंटरप्शन करना है कॉन्सेंट्रेशन का प्रैक्टिस, और लंबे समय के लिए करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के जर्नी पे जाना चाहते हैं तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक तो रेगुलरली करें इसको, और लंबे पीरियड के लिए करें। और ये कहते हैं डिवोशन के साथ करिए, भक्ति भाव के साथ कॉन्सेंट्रेशन करिए, तब आप देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन में आपके पावर बहुत आ जाएगा। और मैकेनिकली कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो आपको उतना पावर नहीं आएगा। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो एक तो उन्होंने तरीका बताया कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा ये तरीका बोलते हैं डिस्पैशन। डिस्पैशन मतलब वैराग्य। वैराग्य, वैराग्य मतलब जो चीज भी आपको अट्रैक्ट करे उससे दूर जाना। क्योंकि अगर कोई चीज आपको अट्रैक्ट करती है, आप उसके पास जाते हैं, तो आपके अंदर वृत्ति पैदा होती है। अट्रैक्शन एक वृत्ति का कारण है। तो जब भी आप अपने आप को दूर रखेंगे, बहुत ज्यादा पैशनेटली इन्वॉल्व नहीं होंगे, बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो जाएंगे किसी भी चीज के साथ, जो भी काम करेंगे डिटैच्ड अटैचमेंट के साथ करेंगे, तो आपका वृत्ति जो है वो घटने लगेगा, वो कंट्रोल में आएगा, और आपके अंदर की शक्तियां बढ़ने लगेंगी। तो दो तरीके बताए गए हैं, एक है एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन, जो कि कहते हैं कि भक्ति भाव से करिए, लंबे समय के लिए करिए, और विदाउट इंटरप्शन करिए। मतलब ऐसा नहीं करिए कि 7 दिन आपने किया, फिर 10 दिन छोड़ दिया, फिर 7 दिन किया, फिर 5 दिन छोड़ दिया। नहीं, आप चालू करते हैं तो करते रहिए उसको, और ये जो कर रही हैं ये लंबे पीरियड के लिए कर रही है। लोग ध्यान करते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल, क्योंकि इस प्रोसेस में रिजल्ट किसी किसी को देर से आता है। जो भाग्यशाली होते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कार्मिक अकाउंट अच्छे होते हैं, उनको जल्दी भी आता है। वो डिपेंड करता है कि आपका पास कार्मिक अकाउंट क्या है, लेकिन ब्रॉडली ये सजेस्ट किया जाता है कि आप इसको रेगुलरली करिए, भक्ति भाव से करिए, लंबे पीरियड के लिए करिए। और दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि वैराग्य में रहने की कोशिश करिए, मन को स्थिर रखिए, बहुत ज्यादा चीजों से अट्रैक्ट नहीं होइए, और कोई भी चीज के प्रति आप पास में जाती भी हैं तो एक डिटैचमेंट की भावना रखिए। उस चीज को करना है करिए, लेकिन डिटैच रहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको ज्वेलरी पसंद है, तो आपको ज्वेलरी खरीदना है, खरीदिए, लेकिन अपने मन को उस ज्वेलरी में जोड़ के मत रख दीजिए, अटैच करके मत रख दीजिए। आपको ज्वेलरी पसंद है, आपने खरीदी, आपने रखी, बस वहां तक वो सीमित है। आपको सुंदर कपड़े पहनने हैं, आप पहनिए। आपको महंगी गाड़ी में जाना है, मर्सिडीज बेंज चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, लीजिए,
लेकिन अपने मन को उससे जोड़ के मत रखिए, चित्त को उससे चिपका के मत रखिए, चित्त को उससे इंडिपेंडेंट रखें, तब वृत्तियां कम होगी। और पर्पस है वृत्तियां कम करने का। जितना हमारे मन के अंदर अहंकार के अंदर बुद्धि के अंदर ये फ्लक्चुएशन, ये मॉडिफिकेशन, ये वृत्तियां कम होंगी, उतना ही हमारे अंदर योगिक शक्तियां बढ़ेंगी। तो उनका कहने का मतलब है, वैराग्य से ये रिपीट करते हैं एक सूत्र में, कि आपको क्रेविंग नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। पूरे योग प्रणाली में बैलेंस की बात की गई है, और पूरे लाइफ अगर आप बैलेंस में रहती हैं तो सब चीजें टॉप लेवल पे संभव है। और बहुत ज्यादा किसी चीज के प्रति आकर्षित हो जाना, उसके प्रति क्रेविंग रखना, स्ट्रॉन्ग डिजायर रखना, वो रिकमेंडेड नहीं है। आप बैलेंस में रहिए, जीवन में सब संभव है, असंभव से भी असंभव चीज संभव है। अच्छा, तो यहां तक हम लोग ने सूत्रों में से कवर किया था। अभी कहते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में शब्द यूज किया था पुरुष, कि पुरुष और प्रकृति। पुरुष को आप समझ सकते हैं सोल, पुरुष मतलब सोल की बात हो रही है, तो उससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, और करंट जो लैंग्वेज है उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो इनका कहना है कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रेनन्सिएशन क्या होता है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वैराग्य क्या होता है। अब एक कंसेप्ट यहाँ पर है गुणों का, और ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि प्रकृति जो है वो किस रूप में ओरिजिनली रहती है और किस रूप में बाहर आती है। तो प्रकृति ओरिजिनल रूप में इनविजिबल है और उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन उसके अंदर तीन गुण हैं। ये तीन गुण जो हैं ये अपने आप पैदा होते हैं, ये है सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इसको सत्व, रजस और तमस भी बोलते हैं। अभी ये जो तीन गुण हैं ये प्रकृति के मूल वो हैं, मूल गुण हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। और ये क्या है, ये सबसे पहले तो ये परिस्थिति अपने आप पैदा हो जाती है इन तीन गुणों की, इनको कोई पैदा नहीं करता। प्रकृति अपने आप में इनर्ट है, प्रकृति में कोई जान नहीं है, प्रकृति अपने आप में इनर्ट है, प्रकृति जड़ है, जिसमें लाइफ है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, वो पुरुष है, वो सोल है। सोल इज लिविंग, पुरुष इज लिविंग, नॉट प्रकृति। तो ये जो प्रकृति है इसके अंदर ही कुछ बदलाव होता है अपने आप, और ये तीन गुण पैदा होते हैं, और उसके बाद वहां से हम जो कुछ भी सृष्टि में देखते हैं वो इन तीन गुणों के मिश्रण से बना हुआ है, इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। हर चीज जो भी हम दुनिया में देखते हैं, सृष्टि में देखते हैं, ब्रह्मांड में देखते हैं, उसमें सत्व, रजस और तमस ये तीनों गुण मिले हुए हैं, अलग अलग परसेंटेजेस में है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में, अलग अलग आइटम में है। अभी जैसे मान लीजिए तमस, तमस मतलब सॉलिडनेस, तमस मतलब हैवीनेस, तमस मतलब इनर्टनेस, तमस मतलब लेजीनेस, तमस मतलब डार्कनेस। तो जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे धरती है, धरती में तमस का गुण तमोगुण ज्यादा है। अच्छा, सेकंड रजस, रजोगुण। रजस रजोगुण का मतलब होता है कि मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट। अभी जैसे हवा जो है, हवा में तमोगुण कम है, हवा में मूवमेंट है, तो हवा में रजस का गुण, रजोगुण ज्यादा है। अब उसका यह मतलब नहीं कि हवा में तमोगुण नहीं है, तमोगुण भी है लेकिन कम है, बहुत कम है धरती के मुकाबले। धरती में
तमोगुण बहुत ज्यादा है रजोगुण के मुकाबले। तीसरा जो गुण है वो है सत्व, जिसको सत्वगुण भी बोलते हैं। ये शो करता है एक किस्म से आप समझ लीजिए इक्विपॉइस। इक्विपॉइस मतलब समानता में रहना। इसमें कुछ इनहरेंट पॉजिटिविटी होती है, कुछ इनहरेंट गुडनेस होता है, कुछ इनहरेंट सात्विकपन होता है, होलीनेस होती है, ल्यूमिनोसिटी होती है, ल्यूसिडिटी होती है, ईज होता है, सिंपलनेस होता है। तो ये सत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रकृति में ये तीन गुण बेसिक लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं और तीनों गुण आपस में रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। ये फिक्स स्टेट में नहीं रहते हैं, ये डायनेमिक स्टेट में रहते हैं और कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। इनसे बाकी चीजें बनती हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये अभी हम लोग हैं फर्स्ट चैप्टर के 16 सूत्र में। अभी यहां से हमने नया सूत्र चालू किया आज। ये कहते हैं कि जैसे रेनन्सिएशन वैराग्य ज्यादा होगा वैसे उनको गुणों से भी फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि वो पुरुष को देख रहा है, सोल को देख रहा है। अभी आप समझने की कोशिश करिए कि ये तीन गुण जो हैं ये प्रकृति के हैं और पुरुष जो है वो सोल है, वो कॉन्शियसनेस है, वो अलग है। तो अगर मेरी वैराग्य, मैं अपने आत्मा को देख के वैराग्य कर रहा हूं, अपने पुरुष को देख के, अपने सोल को देख के वैराग्य कर रहा हूं, तो मेरे माइंड में वो गुणों का इम्पैक्ट भी नहीं आता है। मतलब हायर लेवल पे जो वैराग्य होता है वो आत्मा के लिए होता है, वो प्रकृति से दूर जाने के लिए नहीं हो रहा है, वो आत्मा के करीब जाने के लिए हो रहा है, उसका आउटलुक अलग है। तो इस कारण से ये इस सूत्र में इसको कवर किया गया है कि थोड़ा एक हायर लेवल का पॉइंट है, बट मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कवर किया है। अभी इसके बाद ये समाधियों की बात चालू करते हैं। सबसे पहले ये जो समाधि बोलते हैं अगले सूत्र में वो है संप्रज्ञत समाधि। ये जो समाधि है, समाधि दो तरह की है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम समाधि है तो ये समाधियां समझा रहे हैं अभी कि समाधियां क्या हैं। और आपको समझ में आएगा कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम कौन से स्टेज तक पहुंचे हैं मेडिटेशन में, किस लेवल तक हम आए हैं और हमको कहां तक जाना है। तो संप्रज्ञत जो समाधि है इसमें कहते हैं कि जब हम ये समाधि में बैठते हैं तो इस मेडिटेशन में चार स्टेज आते हैं ध्यान के। पहला स्टेज जो आता है वो आता है फिजिकल अवेयरनेस का, मतलब आपको ये अवेयरनेस रहती है, ये जानकारी रहती है कि मैं हूं फिजिकली बॉडी के तौर पे। आपका ध्यान लग गया है, आप समाधि में हैं, लेकिन फिर भी आपको आपके शरीर में आप हैं उसका एहसास है। ये फर्स्ट स्टेज है, ओके। और इसके लिए उन्होंने नाम दिया है वितर्क समाधि। वितर्क समाधि मतलब आप शरीर में हैं इसका आपको एहसास है, लेकिन ये संप्रज्ञ समाधि है। संप्रज्ञ समाधि मतलब आप टोटली फुल समाधि में नहीं गए हैं अभी, आप समाधि के फर्स्ट स्टेज में ही हैं। तो समाधि के फर्स्ट स्टेज में चार मेन स्टेजेस हैं जिसमें धीरे धीरे करके हम समाधि में जाते हैं। सेकंड जो स्टेज समाधि का है जो कि वापस संप्रज्ञ समाधि में है, अभी भी हम बाहर के स्टेट में हैं, वो है सटल अवेयरनेस के साथ। सटल अवेयरनेस मतलब थॉट का स्टेज। इस स्टेज के समाधि में आपको शरीर का एहसास नहीं है, बॉडी का आपको फीलिंग नहीं है, लेकिन आपको थिंकिंग है, थॉट है, सोच है आपको कि आप समाधि में हैं, आप उसके अंदर हैं, ये एहसास है। तो इससे आपको मालूम चलेगा कि जब भी आप ध्यान में बैठ रहे हैं, समाधि में बैठ रहे हैं, आप कौन से स्टेज तक पहुंचे हैं। बॉडी का एहसास है तो फर्स्ट स्टेज पे हैं, थॉट हो रहा है, बॉडी का खत्म हो गया तो सेकंड स्टेज पे हैं। थर्ड स्टेज में क्या है, आपको अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा, एक ब्लिसफुल स्टेट होता है, तो वो थर्ड स्टेज है। और थर्ड स्टेज के बाद एक और फोर्थ स्टेज है,
वो है आईनेस वाला स्टेट। आईनेस वाला स्टेट मतलब उसके लिए शब्द है स्मिता, स्मिता अस्मिता वाला स्टेट, जिसमें आपको ना शरीर का एहसास है, ना विचार है, ना आनंद है, सिर्फ आपको आईएमनेस है, मतलब आपको अपनी आत्मा का कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि एक प्रेजेंस है, आपके प्रेजेंस का आपको एहसास है, बाकी सारे आउटर लेयर आपके छूट गए। तो ये आप फोर्थ स्टेज जिसमें आपको अपने आप का एहसास है, बस आपके इनर इनरनेस का, आईएमनेस का, आपके आत्मा के होने का एहसास हो रहा है अभी, तो आप बहुत करीब पहुंच गए हैं। आप असम असम प्रज्ञा समाधि के अंतिम स्टेज में आ गए हैं, फोर्थ स्टेज में आ गए हैं। तो ये जितने भी चार समाधि के स्टेज हैं, इनको सब बीज समाधि बोला जाता है। सब बीज मतलब इसमें एक बीज है, एक थॉट है, जिसका एक ऑब्जेक्ट है, जिसका प्रयोग करके हम समाधि में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं। लेकिन जहां पे अंतिम समाधि एक्चुअली होती है, लास्ट स्टेज, वो निर्बीज होती है। वहां पर कोई बीज भी नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, वहां पर कुछ नहीं होता है। और उस कुछ नहीं की स्थिति जो है वो अंतिम समाधि है, जिसको कि असंप्रज्ञ समाधि बोला जाता है, असंप्रज्ञत समाधि। बाकी जितनी समाधियां हैं वो संप्रज्ञत समाधि है, जिसमें कुछ न कुछ है बाहर का। स्टार्टिंग में शरीर, उसके बाद विचार, उसके बाद आनंद, और उसके बाद एक आत्मा का एहसास। लेकिन अभी भी आप पूर्ण आत्मा के साथ नहीं हुए, एक आत्मा का एहसास आना चालू हुआ। तो ये सीक्वेंसिंग है, जिस सीक्वेंस में समाधियां लगती हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, आप जब भी ध्यान में बैठते हैं, आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आप किस लेवल तक पहुंचे हैं। अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि असंप्रज्ञता समाधि भी है, तो उसमें क्या करना पड़ता है? उसमें आपके जितने भी थॉट्स हैं वो सब खत्म करने पड़ते हैं। और उस केस में आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ चित्त में संस्कार रह जाते हैं। अभी संस्कार क्या है? चित्त तो मैंने जैसे पहले बताया कि चित्त तीन का कॉम्बिनेशन है, बुद्धि का, अहंकार का और मन का। इन तीनों को मिला के योगिक फिलोसॉफी में चित्त कहा जाता है। अभी ये मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, फिर करता हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है योगिक फिलोसॉफी में, कि हम बाहर की दुनिया में इंद्रियों के द्वारा अंदर देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर बदलाव होता है, मॉडिफिकेशन होता है, फ्लक्चुएशन होता है, चेंज होता है। और हम अंदर से भी कुछ सोचते हैं, कुछ कारण से, मेमोरी से कुछ आता है, इमेजिनेशन से कुछ आता है, नींद में कुछ आता है, ज्ञान जो मिला है उससे आता है, तो हमारे अंदर बदलाव होता है। तो ये वृत्तियां, जब ये वृत्तियां बार बार होती हैं तो ये हमारे चित्त में रिकॉर्ड होती हैं, इसको संस्कार बोलते हैं। तो ये चित्त में जब रिकॉर्ड हो जाती हैं तो ये संस्कार हैं, और ये संस्कार जब और एक्टिवली रिकॉर्ड होते हैं तो ये वासनाएं बनती हैं, और जब ये वासनाएं बनती हैं तो ये हमारे जीवन में बाहर जाके एक्शन क्रिएट करती हैं, हमको मजबूर करती हैं कुछ करने के लिए। तो वृत्तियों से, वृत्तियां मतलब जो हम सोच रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उससे हम रेगुलरली चेंज हो रहे हैं अंदर, और जो अंदर हम रेगुलरली चेंज हो रहे हैं वो हमारे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, वो संस्कार बन रहे हैं, और जो संस्कार बन रहे हैं वो गहरे बन रहे हैं, तो वो हमारे अंदर वासनाएं पैदा कर रही हैं। आप वासनाओं को बोल सकते हैं कि एक किस्म से डीप लेवल पे एडिक्शंस पैदा करती हैं। किसी को वासना हो जाती है सिगरेट पीने की, उसके इतने संस्कार गहरे हो गए हैं कि उसको सिगरेट पीना है, अभी वो जाके खरीदेगा, पिएगा, यू नो, उस तरीके से वासनाएं हो जाती हैं। तो ये जो संस्कार है हमारे, ये संस्कार हमारे कर्मों को डिसाइड करता है, और हमारा जो जीवन है वो कार्मिक अकाउंट पे है। मतलब मेरा जो चित है उसमें मेरे पिछले जन्मों का संस्कार रिकॉर्डिंग है।
और आज जो भी मैं वृत्तियां ले रहा हूं या पैदा कर रहा हूं उसके जो संस्कार बना रहा हूं वो संस्कार भी मेरे चित्त में रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ये मेरे कार्मिक अकाउंट पे, मेरे कर्मों के रिकॉर्ड पे इम्पैक्ट कर रहा है। और जब ये मेरे कर्मों के रिकॉर्ड पे इम्पैक्ट कर रहा है तो मेरे आने वाले जीवन पे, मेरे आने वाले जीवनों पे, मेरे आने वाले हो सकता है 100 जीवन दूर तक इम्पैक्ट करे। क्योंकि हम क्या है, हम पुरुष और प्रकृति के कॉम्बिनेशन है। पुरुष क्या है, पुरुष कॉन्शियसनेस है, सोल है, जो इटर्नल है, जो कभी खत्म नहीं होती। तो मेरी जर्नी जो है वो इटर्नल है, मैं इटर्नल टाइम से ट्रेवल कर रहा हूं। इस समय मैं जिस प्रकृति में हूं, आज जो मैं देख रहा हूं, मेरे को बताया जा रहा है कि ये धरती है, और मेरे को बताया जा रहा है कि ये भारत है, मेरे को बताया जा रहा है कि ये बंगाल है, लेकिन मैं एक्चुअली एक सेलेस्ट्रियल ट्रैवलर हूं। मैं एक आत्मा हूं, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैं अनंत काल से ट्रैवल कर रहा हूं। आज प्रकृति के जिस रूप में मैं हूं, वो रूप में मेरा नाम दिया गया संजय मनसुखानी। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं पतंजलि योग सूत्र। लेकिन जो जो रियलिटी है वो ये है कि मैं एक इटर्नल कॉन्शियसनेस हूं, और इस समय मैं धरती पे हूं। क्यों? क्योंकि मेरे कार्मिक अकाउंट ऐसा है जिस कारण से मैं यहां हूं। और ये प्रकृति क्या है, आगे के एक सूत्र में, प्रकृति वो क्रिएशन है जो बनी है पुरुष के लिए, ताकि यहां तो वो एंजॉय करे, यहां तो वो अपना एनलाइटनमेंट हासिल करे। तो पुरुष यहां पर, पुरुष मतलब सारे कॉन्शियसनेस, मैं मेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, सारी आत्माएं धरती पे या तो एंजॉय करेंगी या तो धरती पे अपना एनलाइटनमेंट लेंगी और जाएंगी। अच्छा, ये प्रकृति इंडिविजुअल है, हाँ इंडिविजुअल है। ये प्रकृति यूनिवर्सल है, हाँ यूनिवर्सल है। जब मैं अपने बैरियर को तोड़ता हूं, अपने बुद्धि के बैरियर को, इंडिविजुअल बुद्धि के बैरियर को तोड़ता हूं, इंडिविजुअल अहंकार के बैरियर को तोड़ता हूं, इंडिविजुअल मन के बैरियर को तोड़ता हूं, इंडिविजुअल चित्त के बैरियर को तोड़ता हूं, सरपास करता हूं, तब मैं यूनिवर्सल लेवल पे एक्टिवेट हो जाता हूं। तो ये पूरा प्रोसेस, जैसे जैसे वृत्तियां थमती जाएंगी, रुकती जाएंगी, सोती जाएंगी, वैसे वैसे पुरुष की शक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सोल का पावर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सोल, ये पुरुष प्रकृति के चुंगल से, प्रकृति के ग्रिप से बाहर निकलने लगेगा, इंडिपेंडेंट होने लगेगा, अपने पावर के प्रति एनलाइटन होने लगेगा। और आगे जाके इसी प्रोसेस में चलता रहेगा तो उसमें विभूतियां आ जाती हैं, सिद्धियां आ जाती हैं, योगिक शक्तियां आ जाती हैं। तो वही है प्रोसेस। तो हमको जो समझना है कि जब असंप्रज्ञित समाधि लगती है तो उसको रोकने के लिए मेरे को सबसे पहले अपने चित्त को कंट्रोल में करना है, अपने थॉट्स को कंट्रोल में करना है। और उसके बाद क्या रह जाता है, सिर्फ मेरे संस्कार मेरे चित्त में रह जाते हैं जो कि इनएक्टिव है, एक्टिव और कुछ नहीं रहता है, तभी वो असंप्रज्ञित समाधि है। और एक योगी उस एडवांस स्टेज में जो उसके संस्कार रह गए हैं, जो एक्टिव नहीं है रह गए हैं, उसको भी वो अपने ज्ञान के कारण जला देता है। तो जब वो ज्ञान यूज करके उसको भी जला देता है जो संस्कार बच गए हैं असंप्रज्ञित समाधि में जाने के बाद, तब पुरुष जो है वो एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस उसको मिलता है, वो केवल की स्थिति में आता है। इसलिए पतंजलि ने पहले चैप्टर में समाधि समझाया है कि समाधि क्या है, सेकेंड चैप्टर में साधना समझाया है, जिसमें उसने और भी बहुत तरीके दिए कि आप ये भी करके वृत्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं,
बहुत तरीके हैं, और उसने ये भी बोला है कि ये तरीके अगर आप करेंगे ना तो आपके जीवन में ये बदलाव आने लगेंगे संग संग। समाधि लगे नहीं लगे बात की बात है, ये बदलाव आपके जीवन में चालू हो जाएगा, ये सिद्धियां आपके जीवन में चालू हो जाएंगी। और जब आप और आगे जाएंगे तो बड़े लेवल की सिद्धियां आने लगेंगे, आपको पूरा प्रकृति का साइंस समझ में आएगा, प्रकृति कहाँ खड़ी है, किस पे खड़ी है, कहाँ कैसे आई है, कैसे उसको करना है, पूरा आपको समझ में आएगा। पूरी साइंस है, मतलब अद्भुत साइंस है, अद्भुत साइंस है। और आप उसको फील करेंगे, मतलब ये कोई थ्योरी वाली क्लासेस नहीं है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड क्लास है। आपको उस पर कॉन्स्टेंटली साथ में ध्यान चलाए रखना है, और आप अपने जीवन में वो बदलाव चेंज करेंगे, वो फील करेंगे, वो एहसास महसूस करेंगे, आपके आसपास के लोग कमेंट करेंगे, आपको दिखेगा आपका जीवन खुलने लग गया है। जैसे एक फूल खुलता है, आपका जीवन खुलने लग गया है, आपके बच्चों का जीवन खुलने लग गया है, आपके माता पिता का जीवन खुलने लग गया है। मतलब एक 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 क्या शब्द का मैं प्रयोग करूं, मेरे पास शब्द नहीं है, एक्सपीरियंस करने वाली बात है ये, मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए। एक एक फ्लावरिंग होती है, आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्लावरिंग होगी आपके आसपास। तो ये इस सूत्र में, ये अभी हम लोग पहुंचे हैं 18वें सूत्र में, फर्स्ट चैप्टर, वो बोलता है कि जो असंप्रज्ञत समाधि है उसमें आपको पूरे थॉट्स को कंट्रोल कर लेना है, और सिर्फ आपके जो संस्कार रह गए हैं वो ही रह जाएंगे, बस और कुछ नहीं। एक्चुअली कुछ बहुत हाई लेवल के इसमें सूत्र हैं, बट मैं कोशिश करता हूं। इसका नेक्स्ट सूत्र जो है 19 सूत्र, उसमें वो बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है मतलब पुरुष है लेकिन प्रकृति नहीं है, आत्मा है लेकिन मटेरियल कुछ नहीं है, ओके, अनएम्बॉडीड, वैदेय, शरीर नहीं है, देह के बिना है। और कुछ लोग हैं जो कि प्रकृति में मिले हुए हैं, मतलब उनकी जो चेतना है वो इतनी कम लेवल पे है और प्रकृति का कंपोनेंट इतना ज्यादा है कि वो प्रकृति में लय किए हुए हैं, मिले हुए हैं। कहता है कि वो भी संप्रज्ञ समाधि जो है उसका एहसास करते हैं, उनके लिए भी संभव है, उस लेवल पे भी होता है, चाहे आपका शरीर नहीं हो सिर्फ आत्मा हो, चाहे आपकी आत्मा न के बराबर हो सिर्फ शरीर हो, पूरी प्रकृति में आप मिले हुए हो, तो भी संप्रज्ञत समाधि संभव है। संप्रज्ञत समाधि जो है वो आप देखिए, वो फाइनल समाधि नहीं है, बिफोर फाइनल समाधि है, पेनल्टीमेट समाधि है, फाइनल समाधि तक पहुंचने के पहले की समाधि है, इनिशियल स्टेज की समाधि है। एक में आपको शरीर का एहसास होता है, एक में आपको थॉट का एहसास होता है, एक में आपको खुशी का एहसास होता है, एक में आपको अपने आप का एहसास होता है, इंटरनलनेस का। तो ये स्टार्टिंग के चार स्टेजेस हैं। तो जिनको शरीर नहीं है वो भी ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और जो पूरा प्रकृति में लय में है वो भी ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये उसकी बात करते हैं। अभी बड़े मजे की बात करते हैं, कहते हैं कि जो भी इन समाधियों तक पहुंचते हैं, ऊंचे लेवल की समाधि तक पहुंचते हैं, उसमें कुछ कुछ चीजें चाहिए। और बोले मान के चलिए कि आपके पास सिर्फ आपके सबकॉन्शियस इंप्रेशन रह गए, मतलब वो संस्कार रह गए, वो सबकॉन्शियस लेवल पे चित्त पे आपके वो इम्प्रिंट किया हुआ है, वो संस्कार, वो सबकॉन्शियस इंप्रेशन है,
उस लेवल पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फेथ चाहिए। मतलब एक स्टेज तक पहुंचने के बाद आपको फेथ चाहिए, आस्था चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ओके, दूसरा वर्ड यूज करता है विगर। विगर मतलब अंदर की ताकत चाहिए, वीर्य चाहिए, वीर्य रस चाहिए, अंदर की ताकत चाहिए, करेज चाहिए। क्योंकि एक सीमा के बाद आगे बढ़ने के लिए बिना हिम्मत के वो संभव नहीं है। फिर वो बोलता है मेमोरी चाहिए, स्मृति चाहिए। स्मृति क्यों चाहिए? बोला अगर आप सब भूल जाएंगे तो आपको आगे का रास्ता कौन बताएगा? तो आपको तो आगे का रास्ता दिमाग में रखना है, उसका ज्ञान माइंड में रखना है और ज्ञान लेते हुए आगे जाना है, ताकि आपका रास्ता आपको दिखता रहे, आपको एक एक लाइट जली हुई रहे ज्ञान की, जो कि आपको नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट स्टेज ले जाए। और उसके बाद आपको समाधि लगानी है। तो मतलब पहले तो आपको आस्था होनी चाहिए, आप पहुंचिए आगे, उसके बाद आपको वो वीर्य होना चाहिए, वो करेज होना चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए, आगे जाइए, ज्ञान होना चाहिए कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, उसके बाद वो ध्यान लगेगा। और जब वो ध्यान लगेगा तो भी वो अंत नहीं है, वो ध्यान में भी आपको क्या करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। आपका जब ध्यान लग गया, देखिए इसमें मजे की बात क्या है कि पुरुष जो है ना, हमारी जो आत्मा है वो प्रकृति को देख नहीं पाती है, क्योंकि उसकी तो इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां तो शरीर की है, उसका तो मन भी नहीं है, उसका तो अहंकार भी नहीं है। तो उसके करीब, सबसे करीब जो प्रकृति ने पैदा करी है, एवोल्यूट जो प्रकृति की पैदाइश है, वो है बुद्धि। मतलब प्रकृति से जब वो तीन गुण निकलते हैं, सत्व रजस तमस, तो ये तीनों मिलके सत्व के मेजॉरिटी में सबसे पहले बुद्धि क्रिएट करते हैं। और ये बुद्धि जो है ये पुरुष के करीब है। अब लाइफ किस में है, कॉन्शियसनेस किस में है, वो तो पुरुष में है। तो पुरुष की जो ज्योति है, पुरुष की जो लाइट है, पुरुष की जो कॉन्शियसनेस है, पुरुष की जो ल्यूमिनेसेंस है, वो जाके बुद्धि को टच करती है। और बुद्धि तो इंटेलिजेंट है, बुद्धि में डिस्क्रिमिनेशन का पावर है, बुद्धि को छांटना आता है, बुद्धि को सोचना आता है, बुद्धि को समझना आता है। अब बुद्धि यह समझ लेती है कि पुरुष मैं हूं, क्योंकि बुद्धि को बुद्धि है, बुद्धि को समझ है, बुद्धि सोच सकती है, बुद्धि इस भ्रम में आ जाती है कि पुरुष मैं हूं। और पुरुष जो है वो तो इटर्नल है, इटर्नल है मतलब उसमें कोई परमानेंट है, परमानेंट है तो उसमें कोई चेंज संभव नहीं है। जो परमानेंट है उसमें चेंज कैसा होगा? तो चेंज सब बुद्धि में हो रहा है, वो तो सिर्फ देख रहा है, वो मौजूद है, पुरुष मौजूद है, देख रहा है, पूरा का पूरा ड्रामा चल रहा है बुद्धि में। और बुद्धि से कौन पैदा हुआ? अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं लास्ट टाइम बताया था कि प्रकृति से वो तीन गुण आए, वो तीन गुण से बुद्धि आई, बुद्धि ने अहंकार को पैदा किया। अहंकार ने क्या किया? अहंकार बोला मैं करने वाला हूं। अब जो करने वाला है उसको तो साधन चाहिए, तो उसने सबसे पहला मन को बनाया, उसके बाद इंद्रियों को बनाया, दोनों इंद्रियों को बनाया, ज्ञान इंद्रियों को भी बनाया, कर्म इंद्रियों को भी बनाया, देखने सुनने वाले इंद्रियों को भी बनाया, और बाहर काम करने वाले इंद्रियों को भी बनाया, प्लस तन्मात्रा को भी बनाया। तन्मात्रा क्या है इसको आप समझिए, इन केस यू हैव अ डाउट प्लीज आस्क, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आने लगेगा ना, पूरा योग सूत्र थ्रू हो जाएगा, आपके जीवन में आज ही से चमत्कार चालू हो जाएगा। जब आप सोचेंगे कि क्या साइंस की बात हो रही है, वो खुल जाएगा अंदर।
मतलब जो जो ज्ञान के केंद्र बंद है ना, वो खुलने लगेंगे, वो सेल बनने लगेंगे आपके ब्रेन में जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। तो वो जो अहंकार है, वो डूअर जो है, आए मैं करने वाला, उसने तन्मात्रा पैदा किए। तन्मात्रा ने क्या किया? तन्मात्रा ने पैदा किया ये पांच महाभूतों को। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ब्रह्मांड देखते हैं ये पांच महाभूतों का, ये मेरे बुद्धि का क्रिएट किया हुआ है। मेरे बुद्धि से अहंकार बना, अहंकार से तन्मात्रा बना, तन्मात्रा ने पांच महाभूत खड़े किए। अगर मेरी बुद्धि में वो बंद हो जाए, वृत्तियां, अगर मेरे अहंकार में वृत्तियां बंद हो जाए, अगर मेरे मन में वृत्तियां बंद हो जाए, तो क्या होगा? बुद्धि कंट्रोल कर रही है, मन में वृत्तियां बंद होते ही बुद्धि में बंद हो जाएंगी वृत्तियां, अहंकार में वृत्तियां बंद होते ही बुद्धि में बंद हो जाएंगी वृत्तियां, और बुद्धि तो बुद्धिमान है ही, अपने अंदर प्रवृत्ति को रोक लेगी। अब जब बुद्धि के अंदर वृत्तियां बंद हो जाती हैं, तब एक बड़ा चमत्कार होता है। वो जो पुरुष की जो ऊर्जा आ रही है, वो अब बुद्धि खा नहीं लेती है, क्योंकि वृत्तियां बंद हो गई, तो वो एक आईने की तरह बन जाती है, और पूरी की पूरी रोशनी, पूरी की पूरी ऊर्जा वो वापस डाल लेती है पुरुष की तरफ। और जब वृत्तियां रहती हैं तो गंदगी रहती है। तो जैसे कोई गंदे आईने में हम शक्ल देखें अपनी, तो टेढ़ी बेकी दिखेगी, खराब दिखेगी। तो पुरुष ये समझने लगता है कि मैं टेढ़ा बेका हूं, खराब हूं, तो बेचारा पुरुष भी उलझ जाता है बुद्धि के चक्कर में, इसलिए हम भटके हुए हैं। तो कुंजी क्या है? कुंजी है वृत्तियों को रोकने की। इसे पतंजलि पहले चैप्टर के दूसरे सूत्र में ये बोला कि योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। अपने चित्त के वृत्तियों को रोक दो बस, और कुछ मत करो। पूरा योग शास्त्र इन वृत्तियों को रोकने पर ही है। और मजे की बात सुनिए। अब जब एक योगी वृत्ति को रोक लेता है, बुद्धि उसकी आईने की तरह काम करने लगती है, तो बुद्धि परफेक्ट हो गई। जब बुद्धि परफेक्ट हो गई तो बुद्धि अपने आप में और पुरुष में फर्क समझने लगती है। बोले मैं तो पुरुष नहीं हूं, पुरुष तो ये है। पुरुष की भी जो भ्रम था, जो उसको मिथ्या हो गई थी, वो भी उसकी साफ हो जाती है। अब वो बुद्धि पीछे देखती है कि मैं आई कहां से हूं, तो देखती है कि मैं इससे आई हूं, ये तीन गुणों से। तो बुद्धि तो बुद्धिमान है, तो अभी अगर पुरुष ये चाहे कि गुणों में परिवर्तन हो जाए, तो उन गुणों में परिवर्तन चालू हो जाता है। मतलब वो पुरुष अभी प्रकृति के अंदर घुस के प्रकृति में हेरफेर कर रहा है। अभी जैसे हम लोग पढ़े फिजिक्स में कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन कर लूं, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन कर लूं, न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कर लूं, क्या हो जाएगा? तो कहता है पतंजलि कि वो योगी अंदर घुस के कुछ भी कर सकता है, उसके लिए प्रकृति की कोई सीमा ही नहीं रहती है, कोई बंधन ही नहीं रहता है, कोई लिमिट नहीं रहती है, कोई अंकुश नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है।
बोले प्रकृति तो बनी उसके लिए, प्रकृति तो जड़ है, चेतन है पुरुष, चेतन है आत्मा, आत्मा आया है यहां पर, पता नहीं कहां से चला है, कहां जाएगा, उसका रिकॉर्ड मैं रख रही हूं, उसके चित्त पे क्या उसके कारने का काउंट है वो मैं रख रही हूं, और वो अपना अकाउंट साफ कर लेगा तो पार है। अब आप सोचिए, मैंने साइंस की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशंस में, मैं तो 3 रात से सोया नहीं हूं। मैं बोला ये क्या साइंस है भाई, ये क्या साइंस है, आप 3rd chapter पढ़ेंगे ना आप दंग रह जाएंगे, क्या क्या उसने सिद्धियां लिखी है। मैं आपको बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं कल आज रात भी नींद में सोच रहा था, मैं आपको शेयर करता हूं, मतलब क्या बातें हैं अद्भुत। कहता है कि जो अहंकार है वो साउंड पैदा करता है, और वो साउंड, हाँ साउंड पैदा करता है, अहंकार साउंड पैदा करता है, सुनिए पहले आप सुन लीजिए पूरा, अहंकार साउंड पैदा करता है, और अहंकार और साउंड मिलके आकाश पैदा करते हैं, फिर आकाश और अहंकार मिलके इसको पैदा करते हैं, क्या बोलते हैं, टच, फिर टच और अहंकार मिलके वायु पैदा करते हैं, फिर वायु और अहंकार मिलके साइट पैदा करते हैं, फिर साइट और अहंकार मिलके अग्नि पैदा करते हैं, फिर अग्नि और अहंकार मिलके टेस्ट पैदा करते हैं, फिर टेस्ट और ये क्या नाम है, अहंकार मिलके जल पैदा करते हैं, फिर जल और अहंकार मिलके गंध पैदा करते हैं, फिर गंध और अहंकार मिलके धरती पैदा करते हैं। हम बोले यार अगर सब कुछ अहंकार ने किया है तभी तो बोल रहा है कि तभी तो उसको अहंकार है, तभी तो बोलता है कि मैं करने वाला हूं, क्या गलत बोलता है बेचारा। और हम सोचे साउंड कहां से ले आए, पहले साउंड क्यों, अहंकार का पहले साउंड क्यों, तो हम अभी तक समझ नहीं पा रहे। मैं नींद में आया आज सवेरे, ये अपने चैप्टर में 1st chapter में कुछ ही सूत्रों में आएगा, ये अपने 1st chapter में बोलता है कि ईश्वर बोलता है, ईश्वर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ईश्वर कौन है, ईश्वर का कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, ईश्वर का कोई क्लेश नहीं है, क्लेश क्लेश अपने कवर करेंगे 2nd chapter में, क्लेश मतलब ऑब्स्टिकल्स टू योगा, योग के रास्ता पे, योग के साधना के रास्ते पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो 5 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत है अविद्या, अविद्या की मैं जानता नहीं हूं कि मैं कौन हूं, जब मेरे को मालूम पड़ेगा ना कि मैं पुरुष हूं मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है कि मैं सोल हूं मैं पुरुष हूं इसलिए मैं दुनिया भर के दिक्कतों में फंसा हुआ, तो अविद्या। सेकंड अस्मिता, आई एमनेस, मैं हूं, मुझे ये जो मैं हूं ये भी रास्ता में बाधा लगाता है योगी के। फिर आपका अट्रैक्शन, राग, लेकिन मेरे को पसंद आई करना है, उसका उल्टा द्वेष, ये नहीं करना है। और उसके बाद क्लिंगिंग टू लाइफ, जीवन को पकड़ के रखना, मेरे को मरना नहीं है,
बोले ये पांच क्लेश है जो कि योगी को तंग करते हैं, योगी के जीवन में दिक्कतें पैदा करते हैं, और ये पांचों जो है ना ये वृत्तियों से ही है और संस्कारों से ही है और कार्मिक अकाउंट से ये सब जुड़ा हुआ है। अब वो क्या बोलते हैं पतंजलि, बोलते हैं जो ईश्वर है ना उसका कोई संस्कार नहीं है, उसका कोई क्लेश नहीं है, उसका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है। पहला एक सूत्र में ये बोलते हैं, फिर एक सूत्र में बोलते हैं कि वो एंशंट्स के टीचर है, मतलब जो हमारे बहुत ही आगे जो पूर्वज आए उनके वो गुरु हैं। चलो ये भी ठीक है। बोलते हैं उनका सिंबल ओम है, उनको आपको ध्यान करना है तो ओम पे ध्यान करिए। अब आप सोचिए कि वो आपको ये बोल रहा है कि आप ईश्वर पे ध्यान करिए, ईश्वर का कार्मिक अकाउंट जीरो है, आप धरती पे आए हो कार्मिक अकाउंट लेकर आए हो, ये तो बोल ही रहा है बार बार, तो मैं तो वही बनूंगा जो मैं सोचूंगा ना। अगर मैं सोचूंगा मैं बंदर हूं तो बंदर बनूंगा, अगर मैं दिन भर में ईश्वर के बारे में सोचूंगा जिसके संस्कार जीरो, जिसका कार्मिक अकाउंट जीरो, जिसके क्लेश जीरो, जो कि अनंत साल पहले से टीचर बना हुआ है, गुरु बना हुआ है, उसको मैं गुरु के रूप में याद करूंगा तो मेरा भी तो गुरु बन जाएगा ना। और उसको याद करने का क्या बोलता है, वो बोलता है ओम साउंड। और ओम क्यों, 5,000 सालों से ओम की साधना चल रही है इस देश में, ज्यादा ही, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने ओम पे ही साधना करी है। तो कहते हैं ओम जो है वो ब्रह्मांड का साउंड है। तो हम मन में ये सोचे कि ये हमारे जो अहंकार भाई साहब है जो कि पृथ्वी में है, इन्होंने साउंड जो पकड़ा, ये क्या ओम का साउंड था क्या आकाश को बनाने के लिए? आकाश कहां से आया? आकाश तो स्पेस हो गया। तो यूनिवर्स का क्रिएशन क्या, क्या यूनिवर्स के साउंड से हमने अपना स्पेस क्रिएट किया क्या? तो अगर आप इसको सही मानेंगे जो ये बोल रहा है, तो आप सोचेंगे कि हम कितने गलत साइंस में पढ़ रहे हैं आज। ये तो पूरा साइंस का फाउंडेशन ही हिला दिया है। और ये जो बात कर रहा है ये कोई साधारण कोई आदमी नहीं लिखा है किताब, और हजारों सालों की साधना के ऊपर किताबें लिखी हुई हम जानते हैं, बहुत किताबों में वर्णन है, वेदों में, उपनिषदों में, पता नहीं कहाँ कहाँ योग का वर्णन है, और मैचिंग पूरा का पूरा योग शास्त्र बौद्ध धर्म में भी है, और बौद्ध धर्म के भी कॉमेंटेटर्स ने पतंजलि योग सूत्र के कॉमेंट्री पे कॉमेंट्री किया है, बहुतों ने, वेदांतियों ने किया है, मतलब गजब है। तो अगर हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं वो मेरा ही है और मेरे बस में है और मैं बस छोड़ चुका हूं, तो बेवकूफ तो मैं हूं। अगर मेरे पास में दुनिया के सबसे सुंदर गाड़ी है और मैं उसको नहीं चला रहा हूं, मेरे गैराज में सड़ रही है, तो बेवकूफ तो मैं हुआ ना। और उसके लिए क्या करने बोल रहा है, बोल रहा है वृत्तियों को सुलाओ। वो ये नहीं बोल रहा है कि अटैचमेंट की भोगो नहीं, वो कहता है कि अटैच मत हो जाओ। तो हम तो ये देखते हैं कि आप देखिए कृष्ण को देखिए, कृष्ण तो योगेश्वर थे, राजा थे ना, कृष्ण ने क्या नहीं किया? राजा जनक को देख लीजिए, क्या नहीं किया? तो योगी होना मतलब कि आप जीवन का आनंद नहीं रह सकते, बड़े लेवल पे नहीं रह सकते, प्रॉस्पेरिटी में नहीं रह सकते, वो सब गलत धारणाएं हैं। हमको अपने चित्त को समझना है और उसको वृत्तियों को अपने कंट्रोल में। अब देखिए वो भी
सबसे सिंपल वृत्तियां हैं, उसके बाद संस्कार, उसके बाद क्लेश। बहुत लंबी लाइन है, बंदा सीधा वृत्तियों से बात करता है, सिंपलेस्ट। बोला वृत्तियों को काबू में करो, बस सिंपल से चालू करो, बाकी सब अपने आप लाइन में आ जाए। अपने आप लाइन में आ जाएगा मतलब प्रकृति लाइन में आ जाएगी। बताइए ना, कहां से पकड़ रहा है, कहां छोड़ रहा है, पकड़ कहां रहा है और छोड़ कहां रहा है। मेरा आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक किताब खरीद लीजिए पतंजलि योग सूत्र पे। हाँ, तो उसमें क्या है कि आप भी थोड़ा स्टडी करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आपका फिर ग्रास्पिंग ज्यादा रहेगा और आप क्वेश्चन कर पाएंगे मेरे से। ठीक है, मैं जो बुक यूज कर रहा हूँ वो थोड़ी डिफिकल्ट है रीडिंग के लिए, लेकिन आप में से कोई कर सके तो बहुत बढ़िया है। वो है योग सूत्र और पतंजलि बाय एडविन ब्रायंट, ये वाली बुक है। बट इसमें विवेकानंद की भी आती है, पतंजलि सूत्र, और आप देख सकते हैं, आप आपके हिसाब से आपको जो पसंद आए। बीकेएस आयंगर की भी है, मुझे पता नहीं हिंदी में कौन सी अवेलेबल होंगी, वो आप एक बार अमेजोन पे देख लीजिए। तो उसमें क्या होगा ना कि हम लोग डिस्कशन कर पाएंगे और सबको लाभ होगा, सबको लाभ होगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक, मेरे ख्याल से अभी का सेशन अपने खत्म करेंगे, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग करिए, वरना फिर मैं हम लोग खत्म करते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? हाँ प्रतिमा जी, टू पुट योर माइक ऑन। देन यू कैन टाइप इन चैट इफ यू वॉन्ट। मंजू जी, आपका मैसेज आया नहीं? नहीं, माइक बंद है। हाँ बोलिए।